मॉर्निंग हैप्पी पीपल, आज है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और काफ़ी दिन अच्छा है आज का और आपका भी हैप्पी अच्छा ही होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे, तो जो भारत मॉडल्स है वहाँ से कुछ स्टार्ट होनी है और जो राइड रहेगी हमारी मैक्रोनिया से रहेगी, तो सभी राइडर्स लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जाएंगे। आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, अगर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो राइडर्स के वो भी आने वाले हैं, तो आप चलते हैं और साइड में दिखाते हैं। पैच वैच लगा के कम्प्लीट हो गए हैं, अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से राइड के लिए सभी लोग आ रहे हैं मैक्रोनिया, तो वहाँ पर जाएंगे और स्टार्ट करते हैं राइड को और आपको दिखाते हैं। तो अभी सब लोग कम्प्लीट हो गए हैं, अभी हम लोग यहाँ राइडर स्टोर से निकल गए हैं, ये रहा राइडर स्टोर, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आगे सभी राइडर्स को दिखाते हैं। स्टार्ट होती है तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे और आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा मैं। अभी एक बार मैं बाइक दिखाता हूँ, कौन कौन सी बाइक आई है। बाइक स्टार्ट होती है भारत मोटर्स से, जो कि रॉयल एनफील्ड का शोरूम है इटालियन में मैक्रोनिया। तो ये रही बाइक्स, तो ये सभी बाइक्स हैं और राइडर्स वगैरह हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं अपोलो भगवानगंज। आई लव सागर जो कि सिविल लाइन में है, ये तो अभी सारे राइडर्स लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी बाइक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अपनी बाइक। ये बाइक रही सनीविया की अपाची, ये सारी बाइक्स हैं, ऑलमोस्ट सारी बाइक्स आई हुई हैं यहाँ पे। अपाची जो है ये अतर भाई की बाइक है, ये बाइक दानिश भाई की बाइक है, ये सारी बाइक्स आई हैं, सारे राइडर्स लोग आए हैं यहाँ पे।
सकते हैं आपको। अपोलो शोरूम में जो भगवानगंज में उनकी साइड से हमको मिला है ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर करते हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आए हैं अपोलो के शोरूम, यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह था और अब यहाँ से हम लोग राइड स्टार्ट कर रहे हैं रातगढ़ वाटरफॉल के लिए और काफ़ी मज़ा आया। मेरा अपोलो का ये वाला जो गेट है ये जाता है रातगढ़ वाटरफॉल के लिए, रास्ता आपको पता ही होगा। यहाँ से हमें राइट साइड टर्न लेना होता है, ये अपना रास्ता है वाटरफॉल के लिए। ये हमारा बोर्ड और यहाँ से हम दर्शन करते हैं और फर्स्ट ही यहाँ पर हमारी एंट्री होती है ये रातगढ़ वाटरफॉल के लिए। मेन एंट्री होती है रातगढ़ वाटरफॉल के लिए अंदर की साइड, यानी कि यहाँ पर कुछ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर पार्किंग भी है और यहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल जाके आगे आपको वाटरफॉल देखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है और एकदम काफ़ी ज़्यादा फ्लो है यहाँ पर और बैरिकेड्स वगैरह भी लगा के रखे हैं ताकि ज़्यादा आगे ना जाएँ आप, क्योंकि यहाँ पर बंद करने के लिए जगह कम है। और ये रहा वहाँ का व्यू, बहुत ही शानदार था पे आप देख सकते हो तो बढ़िया व्यू है और काफ़ी अच्छा। 110 जाना तो आपको बनता है वहाँ पे, क्योंकि एक बार आप अगर सागर में रहते हैं, सागर से आसपास के हैं, तो एक बार आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे और यहाँ पे बंद कर रखा था किससे आगे आपको नहीं जाना है। राइड करने के बाद हम लोग अभी आ गए हैं ढाबे पे और सब लोग खाना खा रहे हैं और दाल बाटी यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं और सभी राइडर्स हैं और खाने में यहाँ पे दाल बाटी भरता है और चूरमा। चलो खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी खाना खा के हो गए फ्री, अभी वहाँ पे हो रहा है फोटो सेशन, जाके फोटो सेशन करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे हो रहा है फोटो सेशन रॉयल एनफील्ड। और ये रही अथर्व भाई की बाइक, तो अभी इससे हम राइड कर रहे थे, फिर एक वीडियो आएगी चैनल पे। चलो अब निकलते हैं घर के लिए। और माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वॉइस क्वालिटी नहीं आई, तो वो मैं एक्सटर्नल माइक से करके आपको करके दिखा दूंगा। और ब्लॉग काफ़ी अच्छा बना था लेकिन माइक आईडी नहीं आएगा उसमें, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। चलो और आपको दिखाता हूँ मैं कि हम लोग राइडर ग्रुप में हम लोग को क्या क्या मिला था, आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिला है और ये यहाँ पर एक बैग है जो कि अपोलो टायर्स हैं, तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया था तो वहाँ से मिला है। और जो ये वाला बैच है ये राइडर्स बॉस का, हमारे जो हमारा ग्रुप है सागर का वो हमारा बैच है और ये भी हम लोग को मिला था। और ये भारत ऑटो सागर, मतलब जो रॉयल एनफील्ड का सागर में शोरूम है उसकी तरफ से मिला था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।